इस वक्त मैं ArtKaam गैलरी में खड़ी हूँ जहाँ पर शाहिद ज़की का शो हो रहा है। ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा लिया इन्होंने जो हमारे कंसेप्ट से जाके मिलता है, और गैलरी देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। बेहिसाब लंबी चौड़ी गैलरी है, आप दो एग्जीबिशन एक साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्पेस इतनी बड़ी है, इसमें लेक्चर्स चीज़ें और होनी चाहिए, साथ में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे काम यहाँ पर आ सकते हैं, एक साथ लग सकते हैं। तकरीबन 15वां शायद शो है और 6.5 साल का गैप है इसके पीछे। ये जो काम है ये तकरीबन 3 साल का तो वो काम है जो आखिरी फेज़ है जो आप कैनवस पे देख रहे हैं। एक्चुअली इस एग्जीबिशन में जो ओनर्स हैं गैलरी के, उनके ख़ास शौक की वजह से उन्होंने कहा कि अपने पुराने फेजेस सारे दें। बिगिनिंग फेज जो था मेरा वो भी है और बिल्कुल लास्ट फेज जो कैनवस पे है वो भी है। बुनियादी तौर पे जो थीम्स हैं वो ओरिएंटल थीम्स, हमारी ईस्टर्न थीम्स पे बेस करती है ज़्यादातर, ईस्टर्न होम्स में, ईस्टर्न कल्चर में, अरब कल्चर में, मुस्लिम मुग़ल कल्चर में, तो वो ज़्यादातर वो बेस्ड है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन भी है, जैसे कि एक्रेलिक में ये काम पहले नहीं हुआ है मुग़ल का, मैंने मुग़ल भी किया है और वाटर कलर भी किया है, कैनवस पे भी किया है, तो बुनियादी तौर पर तो वाटर कलर और एक्रेलिक है। इमेजरी का ये होता है कि आपको इतना काम करने के बाद बाज़ फेसेस अच्छे लगते हैं और बाज़ स्टाइल्स खड़े होने के अच्छे लगते हैं, तो आप एक कंपोज कर लेते हैं और उसमें एक तासुर देना है तो कलर्स के साथ उसका तासुर पैदा किया जाता है। Thank you.
बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट किसी तरह होती हैं और एंड किसी तरह होती हैं। ऐसा भी होता है कि उसमें आपके मूड चेंज हो गए तो उसके कलर ही चेंज हो गए, बहुत दफ़ा होता है ऐसा। लेकिन बुनियादी तौर पे ऐसा ही होता है कि ईस्टर्न सब्जेक्ट्स को मैं बहुत देखता हूँ, नेट पे भी देखता हूँ और जो लोगों ने काम किए हैं वो भी देखता हूँ। उसमें मेरा ख़ास इंटरेस्ट जो होता है वो ईस्टर्न सब्जेक्ट्स, मशरकियत जिसमें हो वो मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ उस पर और उसको बहुत स्टडी करता हूँ, उसके क्या था कल्चर में क्या था, फिर मैं उसको कंपोज करता हूँ, रिकम्पोज करता हूँ, जब तक कि मेरा मसला हल हो जाता है, मुझे बेहतरीन लगता है वो मैं करता हूँ। Thank you.